नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। ग्वालियर के ठाठीपुर थाना अंतर्गत युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को मिलने पर उसने घटना स्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया है। पुलिस को आशंका है कि संपत्ति विवाद के चलते मृतक के भाइयों ने उसकी हत्या की है। दर्पण कॉलोनी के एक कमरे में अशोक अग्रवाल नाम के युवक की लाश मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मृतक के कमरे के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अशोक अग्रवाल के गले में रस्सी और सिर पर चोट के निशान साफ तौर पर बयां कर रहे थे कि उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने भाइयों के साथ रहता था, जबकि उसके बीवी बच्चे उससे अलग बाहर रहते हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि रात को मृतक अशोक का भाइयों से झगड़ा हुआ था और उसके घर से जोर जोर की आवाजें भी आ रही थी। पुलिस को आशंका है कि अशोक अग्रवाल की हत्या संपत्ति विवाद में की गई, जिसके बाद पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर उसके भाइयों की तलाश कर रही है। ये अशोक अग्रवाल है, उनका सुबह पुलिस को सूचना मिली कि इनका सब उनके घर में पड़ा हुआ है। पुलिस ने आके देखा तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है वो, और ऐसा भी पता चला कि उसकी रात्रि में अपने ही भाइयों से कुछ प्रॉपर्टी का विवाद था और कुछ झगड़ा भी हुआ है। बगल में जो भाई अनिल और राजू करके जो भाई रहते थे, तो लॉक डला हुआ, वो घर पे है नहीं। वहाँ पे भी कुछ अपने को ब्लड स्टेन मिले, तो जल्दी पुलिस प्रकरण उनको गिरफ्तार करके समझ। संपत्ति विवाद में अगर भाइयों द्वारा अशोक अग्रवाल की हत्या करना साबित हो जाता है तो एक बार रिश्ते फिर शर्मसार हो जाएंगे। भाइयों से झगड़े के बाद अशोक की लाश सुबह कमरे से बरामद की जाती है और उसके भाई मौके से फरार पाए जाते हैं। सारे मामले में मृतक के भाइयों की भूमिका संदेह के घेरे में है, जिसे पुलिस ध्यान में रखकर उनकी तलाश कर रही है। ग्वालियर से न्यूज आज के लिए और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।